आपके पति को फांसी से कोई बचा नहीं सकता। सारे सबूत भैया विभूति के खिलाफ हो गए हैं, इन्हें अदालत तो जाने पड़ेगा। विभूति भैया का केस मैं लड़ूंगा। इसने कांतिलाल नाम के शख्स का कत्ल किया है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे फाजिल दोस्त कत्ल के क में नुक्ता नहीं लगा रहे हैं, वो कत्ल होता है ना के कत्ल। अनु तुमने किस पगलेट को मेरे पल्ले बांध दिया यार, ये तो मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा के दम लेगा। बाय गॉड। मिलॉर्ड अब मैं दरोगा हप्पू सिंह से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। तो पूछिए। हाँ तो दरोगा हप्पू सिंह जी, आप इस शख्स को जिसका के नाम विभूति नारायण मिश्रा है, वल्द आहुति नारायण मिश्रा, कब से जानते हैं? यही जज साहब, लगभग 4-5 साल से। तो इन 4-5 सालों में आपकी नजर में इनका क्या रहा है क्रिमिनल रिकॉर्ड? क्या बताएं जज साहब, ऐसी 4-5 साल में कुछ खास तरक्की तो हमने इनकी देखी ना। सोचो। सुनिए दरोगा हप्पू सिंह जी, आपको आपके नौनों ढैया बच्चों की और आपकी प्रेग्नेंट बीवी की कसम है, आपको सचमुच दिल से लगता है क्या कि ये शख्स कातिल हो सकता है? ऑब्जेक्शन मिलर्ड। मेरे पागल दोस्त जी, मेरे काबिल दोस्त दरोगा हप्पू सिंह को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलॉर्ड, मैं इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। मिलॉर्ड, सच्चाई सामने आ चुकी है कि ये आदमी कातिल है। अबे झूठ है, सच्चाई ये है कि मेरा मुवक्किल बेकसूर है। अबे पगलेट, सच्चाई ये है कि तेरा मुवक्किल कातिल है। तू कुत्ता है, तू कमीना है, तू शमशान की राख है, तू लीचड़ है, तू कौवे की चोंच है, खटिया है, तू गटर का कीड़ा है, तू है कीड़ा, तू गंदा वाला कीड़ा, एकदम कीचड़ वाला पाजी है तू, तू पोटी है, तू इतनी बड़ी चिरांद है। अबे तेरे ऑर्डर ऑर्डर सिस्टम मुत्रेजा मिस्टर सक्सेना, ये क्या कर रहे हैं आप लोग हैं? कोर्ट में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। ये कोर्ट है, किसी मोहल्ले का गली कूचा नहीं है। आप लोगों ने अदालत की तौहीन की है। माफी मांगिए आप दोनों एक दूसरे से, मांगिए माफी। I'm sorry मत्तो। I'm sorry सेक्सी। अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। भाभी जी, देखिए भाभी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ना, हमने आपको कितनी बार समझाया। अरे तो चाचा जी लग रहे हैं ना। अरे अरे चिरांदी है, मतलब चाचा जी है। चाचा जी क्या हुआ? चाचा जी आप यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? मेरी अदालत के अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों, आपने भी कोनो कांड कर दिया क्या? हाँ किया है कांड। तेरी अम्मा को छेड़ दिया, इसलिए लूटे पीटे लग रहे हैं। अरे मेरी इसलिए हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मैं खचड़ों को हाथ खड़े पहने नहीं देख सकता। चाचा जी अगर आप विभू को ऐसे नहीं देख सकते तो उसे बचाइए, कुछ कीजिए। भाई माँ मैं हूँ ना, हैं? चाचा जी रो क्यों रहे हैं आप? मैं हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा विभूति भैया को मैं, ट्रस्ट मी प्लीज। अब क्या कुछ नहीं होने देंगे? आप मुद्दे से भटक कर बिट्टू से लड़ाई कर रहे थे, उलझ रहे थे उससे। वो जो बिट्टू है ना मुटल्ला, उसको देखते ही खून खौलने लगता है मेरा, मुझे माफ कर दीजिए पर क्या करूं, यही सच। अरे खून खौलाना तो बाहर आकर खौलाइए, पहले भभूति जी को अच्छे से जिता दीजिए, उसके बाद जाके बिट्टू मुत्रेजा को गोली मार दीजिए। I like it। मैं भी चलता हूं अंदर, जरा देखता हूं क्या हो रहा है। ऑर्डर ऑर्डर। तो मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए, मगर मुकदमे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं दोनों वकीलों को सख्त ताकीद करता हूं कि अगर उन्होंने अब अदालत में ये कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई लड़ी तो कसम इस न्याय की देवी की, इसी हथौड़े से दोनों का सिर फोड़ दूंगा मैं। I like it. I don't. Carry on. मिलॉर्ड, मैं सबसे पहले मॉडर्न कॉलोनी के निहायत ही शरीफ इज्जतदार, मॉडर्न कॉलोनी की आन बान और शान, टिल्लू टीका और मलखान को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अरे तो बुलाइए ना। टिल्लू टीका मलखान हाजिर हो। हम कसम खाते हैं जो भी कहेंगे सच कहेंगे। हाँ तो टिल्लू टीका और मलखान, ये जो शख्स खड़ा है विभूति नारायण मिश्रा, इनको कब से जानते हो तुम लोग? ये कोई तकरीबन 4-5 साल से।
कैसे आदमी है? मतलबी आदमी एकदम। अपने मतलब के लिए सर गधे को भी बाप बना लेते हैं। सर सुनो सुनो, हाँ टिल्लू टीका मुलखान, मुझे ये बताओ कि तुमको क्या लगता है, विभूति नारायण मिश्रा खून वून कर सकते हैं क्या? ना ना, हरगिज ना, कतई ना। हाँ एक बार मलखान ने ना एक छोरी को छेड़ दिया तो वह छोरी के बाप ने ना मलखान को सर फोड़ दो, तो मलखान को खून बहने लगो, तो खून बहते देख के ना विभूति भैया को बेहोशी छा गई। मिलोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको नोट कीजिए कि जो इंसान खून देखते ही बेहोश हो जाता है वो खून कैसे कर सकता है। That's all, Milo. Mr. Mutrajak, your witness, please. No question, my lord. Hey, bago yan sir, chalo. My lord, अब मैं अदालत में एक ऐसे गवाह को पेश करना चाहता हूं जिसका इस केस के साथ गहरा ताल्लुक है। इस शहर की नहायत ही इज्जतदार और रसूखदार मशहूर ओ मारूफ रकासा गुलफाम कली को बुलाया जाए। आदाब। अजी हुजूर, आदाब। आदाब आदाब, ठीक है ठीक है, केस को आगे बढ़ाइए। अजी हुजूर, ऐसा मालूम होता है कि किसी जमाने में आप भी हमारे शनासा हुआ करते थे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अरे केस को आगे बढ़ाइए। अरे कैसी हो गुल्लू? अजी हुजूर, आप कब आए? भाई कल रात ही आया था, और कैसा चल रहा है तुम्हारा? हुजूर की इनायत है, लेकिन अभी काफी दिनों से हमारे गरीब खाने पर हुजूर पधारे ही नहीं। हाँ थोड़ा बिजी था। जनाब अगर आपकी इजाजत हो तो इस अदालत में चांदनी बिछा के मसनद लगा दी जाए, सारंगी वाले और तबले वाले भी आ जाएंगे यहाँ बजाने के लिए। भाई अगर अदालत को कोई एतराज नहीं है तो हमें भी कोई एतराज नहीं है, हो जाए हो जाए। अरे बदतमीज बेहुदा आदमी, इसको कोर्ट में किसने घुसने दिया, मार कर उसको। अच्छा जी शांति से बैठिए, यहाँ मेरी जान अटकी हुई केस में और आपको गुलफाम कली की पड़ी है। किस किस्म के आदमी है आप, फू है आप पे। सजी क्या है, चुप रहिए ना आप, सारे खानदान की इज्जत के कोर्ट में लुटाने वाले हैं आप। मुस्लिम मुत्रजत, गो अहेड। हाँ तो गुलफाम कली, कत्ल के पहले मक्तूल कांतीलाल तुम्हारे कोठे पर था? जी हाँ, उस रात वो हमारे मेहमान थे। कांतीलाल के अलावा तुम्हारे कोठे पर और कौन था? ये जनाब भी थे। और जाओ 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 और जाओ गुलफाम कली के कोठे पर। देखिए मैडम, किसी भी आदमी की बीवी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी फितरत से बाज नहीं आता है। हाँ ये तो है। हाँ तो गुलफाम कली, इन दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था तुम्हारे कोठे के अंदर? जी हाँ, दोनों में थोड़ी सी तल्ख कलामी हो गई थी। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, विभूति और कांतीलाल का झगड़ा पहले कोठे के अंदर हुआ, फिर कांतीलाल कोठे के बाहर गया और फिर विभूति भी कोठे के बाहर गया, उसके बाद इन दोनों का झगड़ा एक बार फिर कोठे के बाहर हुआ और तैश में आके इसने कांतीलाल का कत्ल कर दिया। साहब ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। जब मैं कोठे से उतरा तो कांतीलाल का ऑलरेडी मर्डर हो चुका था, और मर्डर किया था इसने, इस चुनाव सेठ ने किया था सर। अरे मुझे बीच में क्यों डाल रहे हो तुम, बहुत ही लीचल खटिया और गिरा हुआ आदमी है। ऑर्डर ऑर्डर, आप चुप रहिए,
आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन कब दिया जाएगा, मैं कब से खड़ा हूँ, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा बोलने का। परसों मिलेगा परसों। मिस्टर सक्सेना, आपको इनसे कुछ बात करनी है, पूछना है? जी हाँ जी जी, मैं पूछिए। देखिएगा तिवारी जी, अब सक्सेना जी कैसे बाजी पलटते। मैं इस अदालत के सामने बहुत ही अहम बात कहना चाहता हूँ मिलॉर्ड। हाँ तो कीजिए ना। और वो बात ये है कि नो क्वेश्चन मिलॉर्ड। ये अदालत परसों तक के लिए मुलतवी की जाती है। क्या बताऊं मीनर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सारे सबूत विभू के खिलाफ है। गोरी मैम घर पे हैं का? अच्छा सुनना मीनल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके आइए आइए अप्पू सिंह जी। अरे दादा। गोरी मैम बस इतने से गुजर रही थी, हमने सोची कि आप बहुत परेशान हो, तनहा हो, तो आपकी हालचाल लेते चले। ये आप मेरे हालचाल पूछने इतने सजधज के क्यों आए? ना ना गोरी मैम, कब अचानक से हमने सोचा घरे अलमारी खोली, जो वालों सूटों में दिख गओ, हमने कि चलो आज जाई को उद्घाटन करते हैं, वर्दी तो रोज ही पहनते हैं सब। जो भी है ठीक है। अरे दादा। गोरी मैम जो गुलदस्ता आपके लाने। क्यों, मेरी बर्थडे आज? मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। मैंने कोई तमगा या अवार्ड जीता है? तो क्यों लेकर आए आप गुलदस्ता मेरे लिए? आपको पता है ना कि मैं कितनी टेंशन में हूँ, मेरा पति फांसी के तख्ते पे झूलने वाला है, आप फिर भी मेरे लिए गुलदस्ता लेकर आए? ना ना गोरी मैम, ऐसी बात बिल्कुल ना हैगी। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात। आपको तो बहुत खुशी हो रही है, आपके दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। कि आपने विभू जैसे कातिल को कानून के हवाले कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, अब आपकी वर्दी पे सितारे चमकेंगे। ना ना गोरी मैम, जी जी बिल्कुल गलत सोच रही हैं आप, ऐसी बात बिल्कुल ना हैगी। हमें तो बल्कि बड़ो अफसोस है जब बात को। अच्छा कैसा अफसोस हो रहा है आपको? तो बताइए क्या अफसोस हो रहा है आपको, टेल मी। गोरी मैम बस यही बात को अफसोस है कि भैया विभूति के जाने के बाद आपको कहोगो, आपकी जब भरी जवानी अब कैसे कटेगी? हमारे सहारे कटेगी और किसके सहारे कटेगी? हमारा मतलब है हमारे और अंगूरी के सहारे कटेगी। भाभी जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम है ना भाभी जी का ख्याल रखने के लिए। काए हम मर गए का, हम तो रख सकते हैं गोरी मैम को ख्याल। अरे हम पूछते आप होते कौन है भाभी जी का ख्याल रखने वाले? तो हम पूछते तुम कौन होते हो गोरी मैम को ख्याल रखने वाले? अरे तुम कौन होते हो यार, तुम अपनी प्रेग्नेंट बीवी का ख्याल रखो ना। तो तुम भाभी अंगूरी को रखो, खोखा देखो सारे। अरे तो तुम अपना थाना देखो ना यार। एक मिनट, दोनों आप शांति से वहां बैठिए, प्लीज बैठिए वहां पर। बिल्कुल परेशान ना करियो ना। अरे आप चुप रहो यार, दीवानी करीम अब्दुल्ला दीवाना। आप लोगों ने क्या नाटक लगा रखा है, आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा क्या होने वाला है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अगर फिक्र करनी है तो विभू की कीजिए, क्या होगा उसको, कैसे बचाएंगे उसे, कैसे चिन्हय सेठ के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे। हप्पू सिंह जी, हाँ? मौका वारदात पर आपको लाश के पास क्या क्या सबूत मिले थे? गोरी मैम हमें सबसे पहले तो लाश के पास एक चक्कू मिलो है तो, और कछु खून के धब्बा मिले थे। हाँ हाँ वो ठीक है, उसके अलावा आपको क्या सबूत मिला था? उसके अलावा ससुर कहा तो गुइया के बीज मिले है तो। अरे कैसे दरोगा हैं,
सबूत तक याद नहीं है, इतनी याददाश्त कमजोर हो गई। तुम ससुर मुंह बंद कर लो, पूरा ज्ञान दे दो, कानून कानून हमें ना सिखाओ तुम। गोरी मैम हमें याद आ गओ, असल में लाश के पास हमने जोधपुरी सूट को एक बटन देखो तो जो कि लाश की उंगरिया पे फंस हुआ तो, और हमने हमने जो देखो सो फोटो तक लई है। जोधपुरी सूट, लेकिन विभू के पास तो कोई भी जोधपुरी सूट नहीं है। हाँ वो कहाँ पहनते होंगे इतना कीमती जोधपुरी सूट। भाभी जी हमें कैसे टेलर को जानते हैं जो जोधपुरी सूट सिलता है, होना हो वो बता सकता होगा इस जोधपुरी सूट के बटन के बारे में। हाँ, हमें फौरन उस टेलर से मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात गोरी मैम, देर नहीं करना चाहिए, चलो। चलर आप भाभी जी बैठिए ना, अभी तो रात के 10 बजे हैं, टेलर की शॉप बंद हो गई होगी, सुबह चलेंगे। हाँ हाँ तिवारी जी, फिर सुबह आप मेरे साथ चलिएगा। जरूर। एक काम कीजिए, 15 दिन में आपकी शेरवानी तैयार हो जाएगी, आकर ले जाइएगा। ठीक है चलिए। हाँ आधा वर्ष है आदिल बेहया साहब, आधा वर्ष है हुजूर, आधा वर्ष है, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी, शेरवानी सिल दूं? नहीं नहीं दरअसल तो जी जोधपुरी सिल दूं, बड़े कमाल के लगेंगे जोधपुरी सूट में आप। जनाब आपकी बेगम तो बड़ी खूबसूरत है, कैसे फंस गई आपसे? जी मैं इनकी बेगम नहीं हूँ। माफ कीजिएगा मुहतरमा, तो क्या आप इनकी बहन है? फालतू की बकवास किए चले जा रहे। अरे हम जो कहना चाह रहे हैं वो तो सुनिए पहले। अरे हुजूर कौन सा मैंने आपके जुबान पे पैर रखा हुआ है, बोलिए। भाभी जी वो बटन की फोटो दिखाइए जरा इन्हें। जी ये बता सकते हैं आप कि ये जो बटन है क्या ये आपकी दुकान का है? सौ फीसदी मेरे दुकान का है। अच्छा अच्छा, तो क्या आप प्लीज बता सकते हैं कि ये बटन आपसे किसने लगवाया था? इस तरह के बटन वाला जोधपुरी सूट जो है वो विक्रम चन्नॉय पहनते हैं। तो क्या आप कल भरी अदालत में ये कह सकते हैं कि ये बटन विक्रम चन्नॉय का है? अरे हुजूर अदालत में क्या कहीं भी कह सकते हैं। कहने में अर्ज क्या है? देखिए आपसे प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि कल आप कानपुर कोर्ट आ जाइए सुबह 11 बजे और ये कोर्ट में कह दीजिए। अरे मोहतरमा एकदम बिल्कुल वक्त पे पहुंच जाएंगे। जी जी आधा बजे, आधा बजे जी। गोरी में जा लड़ाई में हम आपके साथ हैं। गोरी में वो टेलर से बात हो गई आपकी? क्या है धीरे बोलिए ना, अगर सुन लिया विक्रम चन्नॉय ने तो टेलर को खरीद लेगा, जैसे तैसे करके तो एक सबूत हाथ लगाए वो भी चला जाएगा, धीरे बोलिए। सॉरी गोरी में, सॉरी हम क्या बताएं, हम इतने परेशान हैं, हमें आपकी चिंता बहुत सताती है, हम रात रात भर सो नहीं पा रहे, हम अब बस चले तो भैया विभूति की जगह फांसी पे हम लटक जाए तो लटक जाना। कहते कि ये खून का चढ़ू ना, नहीं तूने किया है। जगह बकवास कर रहे डोकर तुम, हम फांसी पे लटक जाएंगे तो हमारे नौ ठगिया बच्चा प्रेग्नेंट बीबी को ख्याल कौन रखेगा तुम? उसकी जिम्मेदारी मेरी, तेरे नौ ठगिया बच्चा और तेरी बीवी को प्रेग्नेंट में रखू, मेरा मतलब है तेरी प्रेग्नेंट बीवी का मैं ख्याल रखूंगा। जगह बकवास कर रहे तुम, कब फालतू की बातें बोल रहे डोकर तुम? अरे तू अपनी बहन के लिए इतनी छोटी सी भी कुर्बानी नहीं दे सकता? अरे तिवारी जी क्या हुआ उस टेलर का? भाभी जी वो पेलू के रिक्शे में बिठा रखा है। तिवारी जी क्या है आप समझते ही नहीं है कोई बात, अगर बटेश्वर और विक्रम चन्नॉय उसे देख लेंगे तो खरीद लेंगे उसे। अरे यार नहीं अनीता जी, ऐसा कुछ ना ही होगा, हम ना उसको बरखा पहना दिए हैं। वो बरखा नहीं बुरखा होता है पगली। सही पकड़े हैं, हमने उसको बुरखा पहना दिए, वो किसी को ना ही दिखेगा। ये आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू भाभी जी। क्या कि सक्सेना जी उससे डिस्कस कर रहे हैं, हमें तो पूरा विश्वास है कि इस बार ये जो गवाही है ना ये भभूति जी की हिफाजत में बहुत कारगर सिद्ध होगी। जी मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस बार तो वो खड़ूस जज कन्विंस हो ही जाएगा। अरे मैं फिर कह रहा हूँ बहू,
अगर तुझे जरा भी डाउट है तो मुझे बता, मैं इस जज को खरीद लूंगा। अरे वो शक्ल से लगता है बिकाऊ। तो क्या है, आप हर चीज को आप पैसों के चश्मे से क्यों देखना चाहते हैं? चाचा जी ये लंदन नहीं इंडिया है, ईमानदारी यहाँ के लोगों के रगो रगो में बहती है। प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए, प्लीज करने दीजिए। तो करना भाई। या। यार विभूति, तेरे जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, तू कभी भी फांसी के तख्ते पर लटक सकता है, लेकिन अगर तू भाभी जी से प्यार का इजहार किए बिना इस दुनिया से चला गया तो मरने के बाद भी तेरी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। आज तू भाभी जी से दिल की बात कह दे कि तुझे मोहब्बत है, कह दे तुझे मोहब्बत है, कल का क्या भरोसा, कल हो ना हो। भाभी जी जबकि मुझे फांसी होने वाली है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या बात, बोलिए ना। आई लव यू। मैंने कहा भाभी जी आई लव यू, 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 आई लव यू।